बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख का एक ऐसा नाम है जिसे तकरीबन हर मुसलमान वाकिफ है, लेकिन मौलाना रूम की जिंदगी और उनके मकाम व मरतबे से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। याद रहे कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने शाह शम्मस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी फैज हासिल किया था और शाह शम्मस तबरेज़ भी तसव्वुफ की दुनिया का एक मारूफ नाम है। आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और उनके मकाम व मरतबे से आगाह करेंगे और आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के मुख्तलिफ वाक़यात भी आपको बताएंगे जिनका तज़किरा सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी नाम मोहम्मद था। जलालुद्दीन आपका लकब था और उर्फ मौलाए रूम, मौलाना रूम और मौलाना रूमी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 604 हिजरी में बलख में पैदा हुए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तक बराह रास्त पहुँचता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के परदादा हज़रत हुसैन बलखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफ़ी और साहब कमाल बुज़ुर्ग थे। उम्राए वक्त उनका बहुत एहतराम करते थे, यहाँ तक कि ख्वारज़म शाह जैसे हुक्मरान ने अपनी बेटी की शादी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के दादा से कर दी थी। इल्म व फजल के साथ साथ इस ख़ानदान को दुनियावी इज्जत भी हासिल थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम शेख बहाउद्दीन था। उनके मरीदों में सैयद बुरहानुद्दीन एक नामवर आलिम थे, इसलिए मौलाना रूम की तरबियत की जिम्मेदारी सैयद बुरहानुद्दीन के सुपुर्द की गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अक्सर ज़ाहरी उलूम इन्हीं बुज़ुर्ग से हासिल किए। तकरीबन 19 साल की उम्र में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम के साथ कोनिया तशरीफ़ ले आए। कुछ दिन बाद आप वालिद के साया से महरूम हो गए। शफीक व मेहरबान बाप से जुदाई एक बड़ा कर्बनाक सानहा था, मगर अल्लाह ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को सब्र ज़ब्त का हौसला अता फरमाया। आपने इस गम से नजात के लिए ख़ुद को किताबों में गुम कर दिया। फिर 629 हिजरी में जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 25 साल थी, आपने मज़ीद तहसील इल्म के लिए शाम का रुख किया। यहाँ आप 7 साल तक मुकीम रहे और मुसलसल अपने इल्म में इजाफा करते रहे, फिर कूनिया वापस आ गए। उन्हीं दिनों आपके उस्तादे मोहतरम सैयद बुरहानुद्दीन भी तशरीफ़ ले आए। फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लिया गया। जब सैयद साहब को यकीन हो गया कि उनका शागिर्द ज़ाहरी उलूम की तकमील कर चुका है, तो फिर एक दिन फरमाया, मखदूमजादे, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे वालिद की अमानत तुम्हें लौटा दूँ। इसके बाद सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपना मुरीद किया और तकरीबन 9 साल तक रूहानी तालीम देते रहे। प्यारे दोस्तों, सैयद बुरहानुद्दीन एक बाहोश बुज़ुर्ग और एक आलिम व फाजिल शख्स थे, इसलिए तवील तरबियत के बाद भी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर अकल का रंग गालिब रहा। दरअसल सैयद साहब यही चाहते थे और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहे थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फितरी तौर पर ज़हीन तरीन शख्स थे। वालिदे मोहतरम की तालीम व तरबियत और फिर सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खसूसी तवज्जो ने मौलाना को दर्जा कमाल तक पहुंचा दिया था। अब आपका ये आलम था कि किसी इल्मी तकरीब में खिताब करने खड़े हो जाते तो लोग पत्थर की तरह साकित हो जाते और मौलाना की तकरीर इस तरह सुनते कि उन्हें अपने गिर्दो पेश की भी खबर ना रहती। लेकिन दोस्तों, ये तारीख़ इंसानी का अजीब पहलू है कि हर दौर में हासिद और तंग नज़र लोगों की कसरत पाई जाती है। अगर आम इंसानी तबकों में ऐसे लोग पाए जाएँ तो ये अमल ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, मगर जब उलमा के दिलो दिमाग भी इस बीमारी का शिकार हो जाएं, तो फिर ज़मीन पर बेशुमार फितने सर उठाने लगते हैं। जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उलमा की सफ़ों में नमूदार हुए और आपने अपने कमालात का मुजाहिरा किया, तो मखलूक खुदा इस कदर गिरविदा हुई कि दूसरे अहले कमाल की अजमतों के चराग धुंधले होने लगे। ये बात उलमा की एक जमात को सख्त नागवार गुजरी। फिर हसब रिवायत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तहकीर करने के लिए एक खुफिया मंसूबा तैयार किया गया। फिर जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक अजीमुशान इज्तमा से खिताब करने खड़े हुए, तो अचानक एक शख्स मजमे से उठा और बा आवाज़ बुलंद कहने लगा, मोहतरम मौलाना, आप अपने पसंदीदा मौजू पर हफ्तों और महीनों की तैयारी के बाद तकरीर करते हैं, ये तो कोई कमाल नहीं। इस तरह तो कोई भी शख्स अपने इल्म का मुजाहरा कर सकता है,
फिर आप में क्या खूबी है? मैंने कभी अपने कमालात का दावा नहीं किया, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। मैं तो एक अदना तालिबे इल्म हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद मखलूक खुदा की खिदमत है। वैसे अगर आप अपनी तरफ से किसी मौजू का इंतखाब कर लें तो मैं उस मौजू पर भी तकरीर करने की कोशिश करूँगा। मौलाना रूम का जवाब सुनकर हज़ारों इंसानों के मजमे पर गहरा सकूत छा गया। वो शख्स दोबारा उठा और मनसूबे के मुताबिक उसने कहा, मौलाना आज आप सूरह वज़ुहा की तफसीर बयान करेंगे। ये कहकर वो शख्स अपनी नशिस्त पर बैठ गया। उस शख्स का ख्याल था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह किसी फिलबदी मौजू पर तकरीर करने से आजिज रहेंगे और फिर हज़ारों इंसानों की मौजूदगी में उनकी मोहतरम शख्सियत एक तमाशा बनकर रह जाएगी। एक लम्हे के लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभरा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्लाह की किबरियाई बयान की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा। उसके बाद इंसानी हजूम से मुखातिब हुए। कुरान मजीद की इस सूरह मुबारका में इस्तेमाल होने वाला पहला हरफ वाओ है। आज मैं इसी हरफ मुकद्दस की तशरीह करूँगा। ये कहकर मौलाना रूम ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और फिर मुसलसल 6 घंटे तक सिर्फ इस बात की वजाहत करते रहे कि अल्लाह ताला ने सूरह वज़्ज़ुहा में हरफ वाओ क्यों इस्तेमाल किया। पूरे मजमे पर सन्नाटा तारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौलाना रूम की जुबान से इल्म का समंदर उबल रहा है जिसकी तेज मौजों में सब कुछ बह जाएगा। अभी आपकी तकरीर खत्म होने भी नहीं पाई थी कि वही शख्स अपनी जगह से दीवाना वार उठा और उसने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया। वल्लाह आप अजीम हैं, आज पूरे रूम में आपका कोई सानी मौजूद नहीं। यहाँ के लोग आपके इल्म व फजल से हसद रखते हैं। मैं भी उसी लानत का शिकार हो गया था, खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दीजिए। मौलाना रूम ने उस शख्स को उठाकर गले से लगाया और फिर उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जो आपके खिलाफ दरे पर्दा साजिश कर रहे थे, मैं हर उस शख्स को माफ़ करता हूँ जो मुझसे बेसबब अदावत रखता है। अल्लाह उनके सीनों में भड़कती हुई आतिश हसद को ठंडा कर दे और उन्हें अपने फजलो करम से हिदायत बख्श दे। प्यारे दोस्तों, ये मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की आला जरफी का अजीम शान मुजाहिरा था जिसने बेशुमार लोगों को आपका अकीदतमंद बना दिया था। प्यारे दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहरी तालीम व तरबियत के तमाम मराहिल तय कर चुके थे। आपकी शोहरत और मकबूलियत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा था। अवामी हलकों से लेकर उमराए वक्त तक सब आपका बेहद एहतराम करते थे, लेकिन इसके बावजूद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ज़िंदगी में एक खलासा महसूस होता था। अक्सर तन्हाई में आप अपनी इस महरूमी का इजहार फरमाते, मैं आज भी प्यासा हूँ और ये प्यास ना जाने कब तक बरकरार रहेगी। मौलाना रूम की बेतकल्लुफ़ दोस्त इस प्यास का मफहूम पूछते तो आप बे इख्तियार फरमाते, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये कैसी प्यास है, बस यूँ महसूस होता है कि जैसे मेरी रूह तशना है। दोस्त उसका क्या जवाब देते, वो तो खुद मौलाना के इल्म के मोहताज थे। अलगर्ज बहुत दिन तक मौलाना की यही कैफियत रही। फिर एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया जिसने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को यकसर बदल डाला। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कुतुब खाना नादिर व नायाब तसनीफात की मौजूदगी के सबब पूरे मुल्क में एक ख़ास अहमियत रखता था। एक दिन मौलाना रूम उसी कुतुब खाने में शागिर्दों को दर्स दे रहे थे, अचानक एक अजनबी शख्स इजाज़त के बगैर अंदर चला आया। मौलाना रूम फितरतन एक मतवाज़े इंसान थे, इसलिए अजनबी की इस तरह आमद पर नाराज़ तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्हें उस शख्स का आना अच्छा मालूम नहीं हुआ। अजनबी अपने हुलिये के एतबार से एक आम सा आदमी था। परेशान हाल, चेहरे पर वहशत का रंग, मामूली लिबास, मुख्तसर ये कि अजनबी की ज़ाहरी शख्सियत नहायत ही गैर मौसर थी, इसलिए हाज़रीन में से किसी ने भी उसे पसंदीदा नज़रों से नहीं देखा। खुद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर एक मुख्तसर नज़र डाली और शागिर्दों को दर्स देने में मशगूल हो गए। अजनबी ने आते ही अहले मजलिस को सलाम किया था और फिर हाजरीन की सफ़ों से गुजरता हुआ मौलाना रूम के करीब जाकर बैठ गया था। मौलाना के शागिर्दों को अजनबी की ये बेतकल्लुफाना अदा बहुत सख्त नागवार गुजरी थी, मगर वो उस्ताद के एहतराम में खामोश रहे। अगर उनका बस चलता तो वो अजनबी शख्स को मजलिस से इल्म से निकाल देते या फिर कम से कम उसे सबसे पिछली कतार में बैठने पर मजबूर कर देते, लेकिन वो आदाब मजलिस के पेशे नज़र ऐसा ना कर सके।
फिर भी उनके ज़हनों में अजनबी के लिए नापसंदीदगी का गुबार भर गया था। मौलाना रूम का दर्स जारी रहा। इस दौरान हाजरीन ने महसूस किया कि अजनबी शख्स को मौलाना रूम के दर्स से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बार बार कीमती किताबों के ज़खीरे को देख रहा था। आखिर उससे जब्त ना हुआ तो दर्स के दौरान ही बोल उठा, मौलाना ये क्या है? अजनबी ने नादिर व नायाब किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक मुतगैर हो गया। आपको अजनबी की इस जाहिलाना मदाखलत से अजियत पहुंची थी, मगर मौलाना ने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया। ज़रा सब्र करो, मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़े शीरीं कलाम थे, मगर अजनबी की इस गैर इखलाकी हरकत के बायस आपके लहजे में हल्की सी तलखी शामिल हो गई थी। अजनबी ने फिर कोई सवाल नहीं किया, मगर बदस्तूर मौलाना रूम के कुतुब खाने का जायज़ा लेता रहा। आखिर मौलाना का दर्स ख़त्म हुआ और आप उस अजनबी की तरफ मतवज्जे हुए जिसकी नाशायस्ता हरकत ने हाजरीन मजलिस के जहनों में नफ़रत पैदा कर दी। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाए हैं? मौलाना रूम अजनबी से मुखातिब हुए। मौलाना आप मेरे बारे में दरियाफ्त ना करें कि मैं कौन हूँ, अजनबी ने बेरुखी से कहा। बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि यह क्या है? अजनबी के उठे हुए हाथ का रुख किताबों की तरफ था। अजनबी का सवाल अजीब था। बिलाखिर मौलाना रूम का लहजा तलख हो गया। क्या तुम्हारी बिनाई कमज़ोर है? हरगिज नहीं, अजनबी ने इसी बेनियाजी के साथ जवाब दिया। मैं तो बहुत दूर तक देख सकता हूँ, फिर तुम्हें नज़र नहीं आता कि यह क्या है? अजनबी की इस गुफ्तगू ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे शीरी बयान और मुतहम्मिल मिजाज इंसान को झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, मगर मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ कि यह क्या है? अजनबी बार बार एक ही सवाल को दोहराए जा रहा था। मौलाना रूम को अजनबी का लहजा बहुत नागवार गुजरा। आखिर आपने तलख लहजे में फरमाया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। मौलाना का जवाब सुनकर अजनबी खड़ा हो गया। फिर उसने किताबों की तरफ इशारा किया और एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, अच्छा ये वो है जिसे मैं नहीं जानता। अभी फिजा में अजनबी के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि यकायक कुतुब खाने में आग भड़क उठी और मौलाना रूम की नादिर व नायाब किताबें जलने लगीं। ये सब कुछ इस कदर नाकाबिल यकीन था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी दम्बा खुद रह गए और हाजरी ने मजलिस पर सख्ता तारी हो गया। अजनबी बेनियाजाना आगे बढ़ा। मौलाना रूम ने पुकार कर कहा, ए शख्स ये क्या है? मौलाना ने आग के भड़कते हुए शोलों की तरफ इशारा किया। अजनबी मुस्कुराया, मौलाना ये वो है जिसे आप नहीं जानते। इतना कहकर अजनबी वापस जाने लगा। मौलाना रूम के होंठों से सर्द आह निकली। हाय मेरी नादिर व नायाब किताबें, ए शख्स तेरी वजह से सब कुछ राख हो गया। अजनबी जाते जाते रुक गया और फिर मुड़कर मौलाना रूम से मुखातिब हुआ, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी किताबें वापस करता हूँ। ये कहकर उसने हाथ का इशारा किया और फिर हाजरी ने देखा कि भड़कते हुए शोले बुझ गए और मौलाना रूम के कुतुब खाने में आग का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद अजनबी कुछ कहे बगैर तेजी के साथ चला गया। फिर जब हैरतें कम हुईं और अहले मजलिस के हवास बहाल हुए तो शागिर्दों ने मौलाना रूम से अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम ये सब क्या है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बड़े हसरत ज़दा लहजे में फरमाया, ये वो है जिसे मैं भी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, बाज़ रावियों ने इस वाक़े को इस तरह बयान किया है कि एक दिन मौलाना रूम हौज़ के किनारे बैठे हुए मुतालिया कर रहे थे। अचानक एक अजनबी शख्स आया और मौलाना के करीब रखी हुई किताबों के बारे में पूछने लगा कि ये क्या है। मौलाना रूम ने इंतहाई बेरुखी से जवाब दिया, ये वो है जिसे तुम नहीं जानते। अजनबी ने मौलाना रूम से मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और तमाम किताबें उठाकर हौज में डाल दी। मौलाना रूम एक गैर मुहज़्ज़ब अजनबी की इस हरकत को बर्दाश्त न कर सके और सख्त तैश के आलम में फरमाने लगे, ऐ जाहिल शख्स, तुझे खबर है कि तूने कैसी नादिर व नायाब किताबें तबाह कर डालीं? ये वो कीमती नुस्खे थे जो किसी शहनशाह को भी मुयसर नहीं होंगे। अजनबी ने मौलाना रूम को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी किताबें वापस किए देता हूँ। इतना कहकर अजनबी हौज में उतर गया और तमाम किताबें निकाल कर मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना रूम शदीद हैरत के आलम में अपनी किताबों को देखने लगे। किसी किताब का एक वर्क भी पानी में नहीं भीगा था। ये क्या है? मौलाना रूम ने अजनबी से पूछा। अजनबी ने एक मखसूस तबस्सुम के साथ नहायत शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, मौलाना ये वो है जिसे आप नहीं जानते।
इतना कहकर अजनबी चला गया और मौलाना जलालुद्दीन रूमी हौज के किनारे दम बखुद बैठे रहे। प्यारे दोस्तों, जिस अजनबी शख्स की करामत ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे आलिम व फाजिल को हैरान कर दिया था, वो मशहूर बुजुर्ग हजरत शम्मस तब्रेज़ थे। हजरत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह की इस मुलाकात ने मौलाना रूम की दुनिया ही बदल डाली। ये ऐसा ज़बरदस्त इनकलाब था कि मौलाना अपनी रविश भूल गए। कुतुब खाना बंद कर दिया गया और दरसो तदरीस के तमाम सिलसिले ख़त्म हो गए। अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी को बस एक ही काम था कि हर वक्त हज़रत शम्मस तब्रेज़ की खिदमत में हाजिर रहते थे। ये एक ऐसी तब्दीली थी कि पूरे शहर में हंगामा बरपा हो गया। मौलाना के हज़ारों अकीदतमंद बरमला कहा करते थे, कौनिया वीरान हो गया और इस वीरानी का सबब वो जाहिल फ़कीर है जिसने हमसे हमारा आलिम छीन लिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बाज़ अकीदतमंद और शागिर्द जोश जज्बात में हद से गुजर गए और वो हज़रत शम्मस तब्रेज़ के बारे में गुस्साखाना अल्फाज इस्तेमाल करते थे, कहाँ आप जैसा फाजिल इंसान और कहाँ वो बेइल्म कूचा गर्द। मौलाना रूम सब कुछ सुनते थे मगर आप पर किसी तंज और किसी ताना जनी का असर नहीं होता था। अगर कभी कोई अजीज़ या दोस्त बहुत ज़्यादा जिराह करता तो बस इतना कहकर खामोश हो जाते, तुम क्या जानो कि शम्मस तब्रेज़ कौन है। दोस्तों, कहा जाता है अब एक मखसूस कमरा था, हज़रत शम्मस तब्रेज़ थे और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। बाकी दुनिया से मौलाना रूम का अब कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब मौलाना रूम को घर वालों का होश भी नहीं रहा, बीवी शौहर से और बच्चे बाप से बदजन रहने लगे। आखिर मौलाना रूम के अहले खाना भी हज़रत शम्मस तब्रेज़ को जादूगर कहकर पुकारने लगे, तब्रेज़ के सहर ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, खुदा उसे गारत करे। प्यारे दोस्तों, कोनिया का एक एक शख्स हज़रत शम्मस तब्रेज़ को बुरा भला कह रहा था मगर मौलाना रूम इसी मर्दे कलंदर की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े थे। दोस्तों, तारीख बताती है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शम्मस तब्रेज़ की शख्सियत के असीर हो गए थे। फिर ये असीरी इस कदर बढ़ी कि मौलाना रूम सारी दुनिया से बेनियाज हो गए। मौलाना रूम के शागिर्द और अहले खाना हज़रत शम्मस तब्रेज़ को जादूगर कहकर पुकारने लगे थे। ये तमाम बातें किसी बड़े हंगामे का पेश खैमा थी। हज़रत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत हाल को ज़्यादा दिन बर्दाश्त न कर सके और फिर एक रात जब तमाम लोग गहरी नींद सोए हुए थे, हज़रत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह खामोशी के साथ घर से निकल गए। जब सुबह मौलाना रूम बेदार हुए तो अपने पीरो मुर्शद को ना पाकर मौलाना के दिल पर क़यामत गुजर गई। दीवानावार हर तरफ ढूंढते फिरे, शहर का गोशा गोशा छान मारा मगर हज़रत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह कुनिया की हदूद से बहुत दूर जा चुके थे। मौलाना रूम के शागिर्द और अहले ख़ानदान हज़रत शम्मस तब्रेज़ की रूपोशी से बहुत खुश थे। वो लोग बरमला कहा करते थे, खुदा का शुक्र है कि वो जादूगर यहाँ से चला गया, अब मौलाना उसके तिलिस्म से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बिछड़ने का मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को सख्त सदमा था। रिवायात बताती हैं कि हज़रत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बिछड़ने के बाद मौलाना रूम ने ऐसी शायरी की जो इश्को सरमस्ती और सोजो गुदाज से लबरेज थी। ये शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह की निगाह दिलनवाज ही का फैज़ था कि मौलाना ने अपनी शोहरा आफाक तसनीफ मसनवी मौलाना रूम पेश करके आलम इंसानियत पर एहसान अजीम किया है। ये शायरी की ऐसी अजीम व जलील किताब है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी आलम अदब में इसकी मिसाल नज़र नहीं आती। और जहाँ तक मुसलमानों की अकीदत का ताल्लुक है तो आज भी मौलाना की इस तसनीफ को पढ़ने से पहले बोसा दिया जाता है और नहायत इज्जत व एहतराम से सरों पर रखा जाता है। दुनिया की तमाम अहले इल्म इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि अगर हज़रत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम से मुलाकात ना करते तो शायद ये किताब भी दायरा तहरीर में ना आती। खुद मौलाना रूम भी इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्मस तब्रेज़ी नशुद। और अपने एक शेर में यूं कहा है कि मौलाना रूम उस वक्त तक मौलवी ना हो सके जब तक शम्मस तब्रेज़ की गुलामी इख्तियार ना कर ले। इस शेर से अहले नज़र अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत शम्मस तब्रेज़ क्या थे और कम नज़रों के हसद ने कैसे बरगुजीदा शख्स को मौलाना रूम से बिछड़ जाने पर मजबूर कर दिया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत शम्मस तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह की चंद रोज़ा सोहबतों ने मौलाना रूम को कलंदर बना डाला था। इन मुलाकातों से पहले मौलाना का ये हाल था के उमराए वक्त के दरबार से भी ताल्लुक रखते थे, कीमती लिबास पहनते थे और जब घर से निकलते तो इस शान से कि सैकड़ों अफराद पीछे पीछे होते और आप निहायत जाहो जलाल के साथ आगे आगे चलते।
अगर कोई अजनबी एक नज़र देख लेता तो यही समझता कि कोई हाकिम अपने तमाम तर जलालो जबरूत के साथ गुजर रहा है। मगर जिस दिन हज़रत शम्स तब्रेज़ की ग़ुलामी इख्तियार की तो आपकी दुनिया ही बदल गई। रियाजत और मुजाहिदा इस कदर बढ़ा हुआ था कि किसी मुरीद या खादिम ने मौलाना रूम को शबख़ाबी के लिबास में नहीं देखा, यहाँ तक कि तकिया और बिस्तर भी नहीं होता था। अगर नींद ग़ालिब आ जाती तो बैठे बैठे सो जाते, अक्सर रोज़ा रखते थे। आज कोई शख्स मुश्किल से इस बात पर यकीन करेगा कि मौलाना रूम पानी से इफ्तार किया करते थे और मुसलसल 10-10, 20-20 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। अजान होती तो फौरन किबले की तरफ मुड़ जाते और चेहरा मुबारक का रंग बदल जाता। नमाज में इतना इस्तग़राक होता कि गिर्दो पेश की खबर ना रहती। खादमों ने बारहा अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि इशा के बाद नमाज की नीयत बांधी तो दो रक्तों में सुबह हो गई। एक बार सर्दी का मौसम था, मौलाना रूम नमाज के दौरान रोने लगे और यहाँ तक रोए कि दाढ़ी और सीना आंसुओं से तर हो गया। खादम सिपाही सालार का बयान है कि सर्दी की शिद्दत के बायस आंसू रुखसारों पर जमने लगे, मगर मौलाना की महवियत में कोई फ़र्क नहीं आया। सलातीनों उमरा जिस कदर तहाइफ भेजते, मौलाना रूम अपने मुरीदान खास सलाहुद्दीन जोकोब या हसानुद्दीन चलपी के पास यह हिदायत देकर भेज देते कि इन्हें फौरी तौर पर ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता कि घर में बहुत ज़्यादा तंगी होती और मौलाना के साहबजादे सुल्तान वल्द इसरार करते तो हसब ज़रूरत थोड़ी बहुत रकम रख लेते। जिस दिन घर में खाने का सामान ना होता उस रोज़ मौलाना रूम बहुत खुश होते और बड़े वालेहाना अंदाज में फरमाते, आज हमारे घर से दरवेशी की बू आती है। मौलाना रूम की फयाजी का ये आलम था कि जब कोई मांगने वाला सवाल करता और मौलाना के पास देने के लिए कुछ ना होता तो अपना अबाया उतार कर दे देते। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह वालों की कि अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं और अल्लाह के नाम पर आंखें बंद करके सब कुछ लुटा देते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शफकत और शिद्दत एहसास का ये आलम था कि किसी शख्स की ज़रा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके बरक्स अपनी ज़ात पर आफात व मसाइब के पहाड़ भी टूट पड़े तो हरफ शिकायत ज़ुबान तक ना लाते। एक बार शदीद सर्दी पड़ रही थी, मौलाना रूम किसी काम से अपने खलीफा हसामुद्दीन के मकान पर तशरीफ़ ले गए। रात बहुत ज़्यादा गुजर चुकी थी। मौलाना जब वहाँ पहुँचे तो हसामुद्दीन के घर के तमाम दरवाज़े बंद हो चुके थे। अगर मौलाना चाहते तो निसफ शब भी उस मकान पर दस्तक देकर अहले खाना को बेदार कर सकते थे और आपका ये अमल हसामुद्दीन के लिए बाइस शर्फ होता, लेकिन मौलाना रूम ने दरवाज़ा खटखटाया और न किसी को आवाज़ दी। रात भर खुले आसमान के नीचे खड़े रहे और बर्फ़ सर पर जमती रही। सुबह जब हसामुद्दीन के एक खादम ने दरवाज़ा खोला और मौलाना को इस हालत में खड़े देखा तो इसके होश उड़ गए। वो बदहवासी के आलम में मकान के अंदर गया और हसामुद्दीन को खबर दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा दीवाना वार नंगे पांव भागते हुए आए और पीरो मुर्शद के कदमों में सर रखकर रोने लगे। मौलाना ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और बहुत देर तक तसल्ली देते रहे। जब हसामुद्दीन के आंसू रुक गए तो फरमाया, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हारी नींद में खलल पड़े और मेरी वजह से दूसरे मकीनों को जहमत हो। ये वाकया इस कदर असर अंगेज था कि हसामुद्दीन आखिरी सांस तक इस रात को फरामोश ना कर सके। अक्सर अपने मुरीदों को दर्स देते हुए फरमाया करते थे। पीरो मुर्शिद का ये अमल इसलिए था कि हम दरवेशी का मफहूम समझ सकें और अपनी आंखों से खिदमत खलक की जिंदा तस्वीर देख सकें। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आपका एक अजीब वाकया यूं आता है कि शहर कूनिया में गर्म पानी का एक चश्मा था। मौलाना रूम कभी कभी वहाँ गुसल के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक बार मौलाना ने उस चश्मे पर जाने का इरादा किया। कुछ मुरीदों और खादमों ने एक दिन पहले वहां जाकर आपके गुसल के लिए मखसूस जगह का इंतज़ाम कर दिया। दूसरे रोज़ जब मौलाना रूम वहां तशरीफ़ ले गए तो आपकी आमद से चंद लम्हे कबल कुछ जजामी यानी कोड़ी उस मकाम पर नहाने लगे। खादमों ने खौफनाक मर्ज़ में मुबतला इंसानों को डांट कर उस जगह से हटाना चाहा तो मौलाना रूम ने सख्ती के साथ मना कर दिया। जब वो जजामी नहाकर चले गए तो आपने उसी जगह का पानी लेकर गुसल किया और फिर अपने खादिम से फरमाया, एहतियात अच्छी चीज़ है मगर ऐसे बीमारों से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये लोग भी कल तक तुम्हारी तरह खूबसूरत जिस्मों के मालिक थे। एक और रिवायत है कि एक बार महवले समा आरास्ता थी। मौलाना रूम नहायत सुकून से आरफाना कलाम सुन रहे थे, मगर दूसरे लोगों का ये हाल था कि कोई फर्श पर तड़प रहा है, कोई अपना गिरेबान चाक कर रहा है,
इत्तफाक से एक शख्स ने समा का कुछ ज्यादा ही असर कबूल कर लिया और वो अपने होशो हवास खो बैठा। बेखुदी हद से बढ़ गई तो वो किसी बिस्मिल की तरह लौटने लगा। तड़पते तड़पते उस पर एक शदीद कैफियत तारी होती कि वो मौलाना से आके टकरा जाता और लोग उसे पकड़ कर दूर कर देते। कुछ देर तक तो हाजरीन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस शख्स से कई मर्तबा यही हरकत सरजद हुई तो मौलाना के खादमों ने उसे पकड़ा और महफल में दूर ले जाकर बैठा दिया। मौलाना रूम को ये बात बहुत नागवार गुजरी। आपने अपने खिदमतगारों से तलख लहजे में फरमाया, शराब उसने पी है और मस्ती तुम कर रहे हो। दोस्तों, एक और रिवायत है कि एक बार मौलाना रूम की शरीक हयात ने अपनी मुलाजमा को सख्त सजा दी। इत्तफाकन मौलाना भी उस वक्त तशरीफ ले आए। बीवी की यह हरकत देखकर बहुत नाराज हुए और गमजदा लहजे में फरमाने लगे, तुमने खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। ये उसी की ज़ात पाक है जो गुलामों को आका और आकाओं को गुलाम बना देती है। एक लम्हे के लिए उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम कनीज होती और ये औरत मालका की हैसियत से रखती, फिर तुम्हारा क्या हाल होता। मौलाना की ये असरंगेज गुफ्तगू सुनकर शरीक हयात ने उस मलाजमा को आज़ाद कर दिया और फिर जब तक जिंदा रहीं खादमाओं को अपने जैसा खिलाती और पहनाती, यहाँ तक कि हर मामले में मोहब्बत से पेश आती। प्यारे दोस्तों, मौलाना रूम का ये सलूक इंसानों ही के लिए मखसूस नहीं था। आप तो इस बारिश की तरह थे जो सब्ज़ा गुल के साथ पत्थर की चट्टानों पर भी बरसती है। एक बार अमीर शहर मोइनुद्दीन परवाना के यहाँ महफिल समा जारी थी। किसी मोजज खातून ने शुरकाए मजलिस की तवाजु के लिए मिठाई के दो बड़े तबाक भेजे। बिश्तर हाजरीन कलाम मार्फत में खोए हुए थे। इत्तफाक से एक कुत्ता महफिल में घुस आया और उसने आते ही तबाक में मुंह डाल दिया। अहले महफिल में से किसी की नज़र पड़ी तो उसने बुलंद आवाज में कुत्ते को डांट कर भगाना चाहा। मौलाना रूम, जो बहुत देर से आंखें बंद किए समा की कैफियत में गुम थे, चीख सुनकर चौंक पड़े और जब यह मंजर देखा तो उस शख्स को हाथ के इशारे से रोक दिया जो कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते ने घबरा कर शेरीनी खानी शुरू कर दी और फिर कुछ मिठाई के दाने मुंह में दबाकर महफिल से चला गया। कुत्ते के जाने के बाद मौलाना रूम ने फरमाया, उसकी भूख तुम लोगों के मुकाबले में तेज थी, इसलिए मिठाई पर भी उसका हक ज्यादा था। एक दूसरी रिवायत है कि एक बार मौलाना अपने मुरीदों के हमरा एक तंग गली से गुजर रहे थे। इत्तफाक से वहां एक कुत्ता इस तरह सो रहा था कि रास्ता बंद हो गया। मौलाना चलते चलते रुक गए। अचानक एक शख्स, जब मौलाना रूम को जानता था, गली की दूसरी जानिब से आ रहा था। उसने मौलाना को खड़े देखकर कुत्ते के पत्थर मारा। वो चीखता हुआ भाग गया। रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन मौलाना के चेहरे पर दिली तकलीफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। जब वो शख्स करीब आया तो आपने उसे फरमाया, ए बंदा खुदा, तूने एक जानवर के दिल आजारी करके क्या पाया? मैं कुछ देर उसके जागने का इंतजार कर लेता। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, यहाँ अगर हम अपने बारे में थोड़ा सा सोचें तो हमारा क्या हाल है। जानवर तो दूर की बात है, हम तो इंसानों के साथ ऐसा ऐसा सलूक करते हैं कि खुदा की पना। प्यारे दोस्तों, मालूम होता है कि मौलाना रूम के मसलक में दिल आजारी गुनाह अजीम थी। अगर कोई चूंटी भी आपके पैरों के नीचे आकर कुचली जाती तो मौलाना को बहुत दुख होता। अक्सर औकात लोगों का दिल रखने के लिए बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेते। कहते हैं, एक मर्तबा मौलाना रूम बाजार से गुजर रहे थे। लोगों ने आपको आता देखा तो अपनी अपनी दुकानों पर एहतरामन खड़े हो गए। जब कुछ लड़कों की आप पर नजर पड़ी तो वो भागते हुए आए और मौलाना के हाथों को बोसा देने लगे। मौलाना बच्चों को खुश करने के लिए जवाबन उनके हार चूम लेते। एक लड़का किसी काम में मशगूल था, उसने चिल्लाकर कहा, मौलाना अभी जाइएगा नहीं, मैं जरा काम से फारिग हो जाऊं। मौलाना ने उसकी आवाज सुनी और मुस्कुराने लगे। फिर आप बहुत देर तक उस लड़के के इंतजार में खड़े रहे। जब वो अपने काम से फारिग होकर आया तो उसने मौलाना के हाथों को बोसा दिया, तब आप तशरीफ ले गए। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस आजी का तसव्वुर कर सकते हैं? फर्ज करें कि अगर आप मौलाना की जगह पर होते तो आपका क्या रद्दअमल होता? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह का वाकया है कि एक दिन भरे बाजार में दो आदमी लड़ रहे थे और एक दूसरे को फहश गालियां दे रहे थे। उनमें एक कह रहा था, ओ शैतान, अगर तू एक कहेगा तो दस सुनेगा। मौलाना रूम उस तरफ से गुजर रहे थे। आप उस शख्स के करीब आ गए और फरमाया, भाई तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कह डालो, अगर तुम हजार कहोगे तो जवाब में एक भी ना सुनोगे। मौलाना के हुस्न कलाम ने दोनों को शर्मिंदा कर दिया, यहां तक कि वो बाहमी रंजिश को खत्म करके आपस में दोस्त हो गए। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, जो निसफ सदी तक बेशुमार बंदगाने खुदा का
रूहानी इलाज करते रहे, मगर ये कुदरत का एक अजीब निज़ाम है कि वक्त मालूम पर बीमारों की तरह मसीहा को भी दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से रुखसत होने की, तो ये 670 हिजरी का वाकया है। एक दिन कोनिया में ज़बरदस्त जलजला आया, लोग खौफ व दहशत से चीखने लगे, फिर मुसलसल 4 दिन तक जलजले के शदीद झटके महसूस किए जाते रहे। शहर में एक क़यामत सी बरपा थी। कोनिया के किसी बाशिंदे को अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं था कि कब ज़मीन में शगाफ पड़े और वो अपने साजो सामान के साथ मुल्क के अदम रवाना हो जाए। इस मुसलसल अजियतनाक सूरत हाल से घबरा कर अहले शहर मौलाना रूम की खानकाह में हाजिर हुए और आपसे दुआ की दरख्वास्त करने लगे। मौलाना रूम ने हस्बे आदत दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, ज़मीन भूखी है, लुकमा तर चाहती है, इंशाल्लाह इसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल होगी। फिर लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, कोई शख्स हरासा ना हो, जिस पर गुजरना है गुजर जाएगी। इंसानी हो जो मुतमइन होकर अपने घरों को चला गया। मौलाना के इस इरशाद के बाद ही जलजला थम गया था। शहर कोनिया की गुमशुदा रौनक लौट आई थी, मगर दूसरे दिन एक खबर ने लोगों से ये सारी खुशियां छीन ली। मौलाना रूम अचानक शदीद बीमारी का शिकार हो गए थे। पूरा शहर अयारत के लिए उमड़ आया। बेहतरीन तबीबों ने इलाज किया, लेकिन मर्ज लहजा बा लहजा बढ़ता गया। मुरीदों और खादमों ने रो रो कर कहा, आपकी दुआओं से बेशुमार मरीजों ने सेहत पाई है, आज आप हमारी खातिर अपनी सेहत के लिए दुआ फरमा दीजिए। मौलाना ने अकीरतमंदों की गुफ्तगू सुनकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। हाजरीन समझ गए कि वक्त आखिर करीब आ पहुंचा है, और फिर ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन गुरूब आफ्ताब से ज़रा पहले मौलाना रूम अपने खुदा की वाहदानियत और ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर गवाही देते हुए रुखसत हो गए। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि कोनिया में घर घर सफ़े मातम बिछ गई। हज़ारों इंसानों ने शिद्दत गम में अपने गिरेबान फाड़ डाले। जनाजा उठा तो एक बड़ा हजूम था जो अपने रूहानी पेशवा को आहों और अशकों की आखिरी नज़र पेश करता हुआ कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। बादशाह वक्त भी जनाजे में शरीक था। मैयत के आगे सैकड़ों ईसाई और यहूदी भी अंजील और तौरात मुकद्दस की आयात पढ़ते हुए चल रहे थे। उन गैर मुसलमों की आंखें अश्कबार थीं और होंठों पर जांकुदाज नोहे थे। बादशाह वक्त ने उन ईसाइयों और यहूदियों की यह हालत जार देखकर पूछा, तुम्हें मौलाना से क्या निस्बत है? जवाब में ईसाई और यहूदी उलमा ने कहा, ये तुम्हारी तरह हमारा भी महबूब है। मौलाना रूम की अजमत की ये एक ऐसी रोशन दलील थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। उन्हें जेरे ज़मीन सोए हुए सदियां गुजर गईं, मगर आज भी यूं महसूस होता है जैसे वो जिंदा हैं। आज भी अगर कोई खुश इल्हान कारी मसनवी मौलाना रूम के अशार पढ़ता है, तो अहले दिल यही समझते हैं कि मौलाना हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोस्तों, अहले इल्म का मानना है कि शायर मशरक अलामा इकबाल जहनी और रूहानी एतबार से आखिरी सांस तक मौलाना के जेरे असर रहे। यहाँ तक कि अलामा ने इस मर्द जलील को पीरे रूम कहकर पुकारा और हमेशा उसकी रूहानी शागिर्दी पर नाजा थे। दोस्तों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तारीख में एक अजीब वाकया यूं बयान हुआ है जो हलाकू खान के फितना अजीम से जुड़ा है, जिसमें मुसलमानों को गाजर मूली की तरह से काटा गया। इस वाकये में मुसलमानों के जवाल का तारीखी मंजर भी मौजूद है कि किस तरह वो उरूज की ऊंचाइयों से जवाल का शिकार हुए और कैसे हलाकू खान उन पर अल्लाह का अजाब बनकर पेश हुआ। इसी वाकये में मौलाना रूम की करामत का तज़करा भी है, लिहाजा इस वाकये को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, तारीख इस्लाम में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपने वक्त की दोनों सुपर पावर ताकतें ईरान और रूम अहले इस्लाम के हाथों शिकस्त व बर्बादी से दो चार होकर किस्सा पारीना बन चुकी थी। अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था कि अहले ईमान सिर्फ आखरत ही में कामयाब व कामरान नहीं होंगे, बल्कि दुनिया में भी उन्हें इकतदार आला बख्शा जाएगा। फिर देखते ही देखते मुसलमानों का अरूज अपने इंतहा को पहुँच गया। सारी दुनिया की दौलत उनके कदमों में थी और बड़े बड़े ताजो तख्त उनकी ठोकरों से पामाल हो रहे थे। कुछ लोगों को वो ज़माना याद आ रहा था जब ईरान की फतह के बाद माल गनीमत के अंबार देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रो पड़े थे, और किसी शख्स ने अर्ज़ किया था, अमीरुल मोमिनीन, इंतहाई खुशी के मौके पर आपकी आंखों में ये आंसू? जवाब में खलीफा सानी ने फरमाया था, मैं इसलिए रोता हूँ कि जहाँ दौलत के कदम आते हैं वहाँ ईमान सलामत नहीं रहता। अल्लाह तुम्हें मालो ज़र के फितने से महफूज रखे।
और फिर तारीख ने देखा कि ऐसा ही हुआ था। दुनिया के सारे खजानों की कुंजियां मुसलमानों के हाथों में थीं। अजीम शान महल तामीर किए जा रहे थे, मगर काशाना दिल वीरान होता चला जा रहा था। दीवारों में कीमती फानूस भी आवेजा थे, मगर दिमागों का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जिस कौम को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया था, आज वही कौम कनीजों के खूबसूरत जिस्मों से अपने हर्म सजा रही थी। तारीख बताती है कि फिर एक दिन बगदाद की शाहराहों पर एक मजजूब चीखता फिर रहा था, लोगों, खुदा की नाफरमानियों से बाज आ जाओ, मौसीकी के औजार और रुबाब तोड़ दो और शराब के जखीरे नालियों में बहा दो, वरना कुदरत का पैमाना बर्दाश्त छलकने वाला है। अजाब के दिन गिने जा चुके हैं, बस कुछ घड़ियां बाकी हैं। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, सरकशी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे कांधों से गर्दनों के बोझ कम कर दिए जाएंगे। बड़ा खून बहेगा, बड़ी रुसवाई होगी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मजजूब की लय तेज होती जा रही थी। शुरू में लोग उसे पागल समझकर एक दिलचस्प तमाशे से लुत्फंदोज होते रहे, मगर वो दीवाना तो बड़े पते की बात कर रहा था, बड़े खौफनाक राज फाश कर रहा था। आखिर इशरत कदों में रहने वालों को इसी वैशी के नारे ग्रां गुजरने लगे। मजजूब से कहा गया कि वो नारा जनी बंद कर दे, उसकी बेहंगम आवाज़ों से शरफा के सुकून में खलल पड़ता है। वो किसी अजाब की बातें करता है, अजाब हमें छू भी नहीं सकता कि हम अहले ईमान हैं। कई बार तंबीह की गई, लेकिन मजजूब ने अपना चलन नहीं बदला। वो परेशान बालों और बसीदा कपड़ों के साथ हर गली कूचे में चीखता फिर रहा था, ऐ बेखबरों, सुर्ख आंधी आने वाली है, उसके तेज झोंकों में तुम्हारे पत्थरों के मकान रुई के तेज गालों की मानद उड़ जाएंगे। अब इस कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, हलाकत और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है। ऐशोइशरत में डूबे हुए लोग मौत की खबरें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर मौजज़ीन शहर ने मजजूब की बातों को बदशगुनी की अलामत करार देकर एक संग दिलाना हुक्म जारी कर दिया। अब वो बेजरर इंसान जिधर जाता, लोग उस पर गलाजत फेंकते थे। मजजूब उनकी इस हरकत पर कहकहे लगाता था, मेरे जिस्म पर गंदगी क्या उछालते हो, अपने मसख चेहरों और गलीज लिबासों की तरफ देखो, अनकरीब इन पर स्याही मली जाने वाली है, और कुछ दिन खुदा के निजाम का मजाक उड़ा लो, फिर वक्त तुम्हारा इस तरह मजाक उड़ाएगा कि तुम मौत को पुकारोगे मगर मौत भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। इसके बाद लोग तशद्दुद पर उतर आए। मजजूब जहां से गुजरता था, जवान और बच्चे उस पर पत्थर बरसाते थे। लागर और नहीफ जिस्म अपने खून में नहा गया। बदमस्त इंसानों के कहकहे बुलंद हुए। मजजूब बगदाद की एक शाहराह पर खड़ा लड़खड़ा रहा था। इस खून रंग तमाशे देखने के लिए सैकड़ों इंसान जमा हो गए थे। मजजूब ने हजूम की तरफ देखा और बड़े उदास लहजे में बोला, क्या तुम में से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इन संग दिलों को मना करे और मेरी तरफ आने वाले पत्थर को रोक ले? मजजूब की फरियाद सुनकर लोगों के कहकहे कुछ और बुलंद हो गए। किसी ने संगबारी करने वालों को मना नहीं किया। पूरे मजमे का जमीर मर चुका था, अजाब लिखा जा चुका। मजजूब आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखा। लिखने वाले ने लोहे महफूज पर लिख दिया, आग, खून, मौत, जिल्लत और बर्बादी। फिर मजजूब ने बहते हुए खून को अपने चेहरे पर मल लिया। चंद पत्थर और बरसे, मजजूब जमीन पर गिर पड़ा। मसखरा आसमान की खबरें देता है, लोग दीवाना वार हंस रहे थे। ये खबर नहीं कि खुद अपना क्या हाल होने वाला है। एक मजबूर इंसान पे ये सितम करने के बाद हजूम मुंतशिर हो गया। मजजूब के जिस्म से खून बह बह कर जमीन पर जमता रहा। आखिर बगदाद के बाहोश शहरियों ने एक दीवाने से नजात हासिल कर ली। उस दिन के बाद फिर किसी ने मजजूब को नहीं देखा। वो अपना काम खत्म करके बहुत दूर जा चुका था। शहर की फिजाएं नगमा बार थीं। मौसीकी की दिल आवेज आवाज़ों ने गुनाह के जज्बों को बेदार कर दिया था। नंगे बदनों के रक्स ने जज्बात की दुनिया में वो तूफान उठाए थे कि अहले इक्तदार की बिनाई जायल हो गई थी और उमरा अंधे हो गए थे। इस्लाम के सिपाही भी जज्बा जहाद खो बैठे थे और खुद को कमज़ोर कर चुके थे। दोस्तों, तारीख बताती है कि उसके बाद अहले बगदाद को कहरे खुदाबंदी ने आ पकड़ा। हलाकू खान रात के अंधेरे में असलहे से लैस फौजियों के साथ आगे बढ़ रहा था और अजीम शान इस्लामी सल्तनत के निगेबान हाथों में रुबाब लिए हुए झूम रहे थे। फिर हर तरफ फितना फसाद की आग भड़क उठी। सुर्ख पत्थरों से बने हुए ऊंचे ऊंचे महल्लात में आग लगी हुई थी और इल्म व हिकमत के जखीरे सूखी लकड़ियों की तरह जल रहे थे।
शानदार तहजीब व तमद्दन के आसार वैशियों के नेज़ों की जद पर थे। हलाकू खान के सामने आलिमाना तकरीरें करने वाले बेशुमार थे, मगर वो तलवार के सिवा कोई जुबान नहीं समझता था। इस फितने को सिर्फ जुर्रत और शुजात के हथियारों से रोका जा सकता था, मगर मुसलमान बहुत पहले उन हथियारों को जंग आलूद समझकर अपने असलहा खानों में दफन कर चुके थे। इसलिए चंगेज़ खान का सफाक पोता मुसलमानों के सरों को मीनार बना रहा था और अहले बगदाद एक दरिंदे से तहजीब और शाइस्तगी की जुबान में रहमो करम की भीख मांग रहे थे। फिर यूं हुआ कि सब कुछ जलकर राख हो गया। अब हलाकू खान का रुख नेशापुर की तरफ था। यहां भी मौत की सुरख आंधी ने तबाही मचा दी। इल्मो हिकमत के कैसे कैसे तनावर दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जिन लोगों ने कुछ दिन पहले बगदाद की शाहराहों पर एक मजजूब को चीखते हुए देखा था, आज उन्हें उस पागल इंसान की बातें याद आ रही थीं। मगर वक्त गुजर चुका था। अचानक खबर आई कि तातारियों ने हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग को भी शहीद कर दिया। मार्फत का ये मीनार क्या गिरा कि घरों में सहमे हुए मुसलमान मौत के खौफ से कांपने लगे। अब उनके दरमियान से वो शख्स भी उठ गया था जिसकी दुआएं आसमान पर सुनी जाती थीं। दूसरी जांगोदाज खबर आई कि हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने भी जाम शहादत पी लिया। इस तरह के आपने खानकाह से बाहर आकर आखिरी सांस तक हलाकू की फौज से जंग की और मरते वक्त अपनी कौम को एक ही पैगाम दिया कि मकान को छोड़कर मैदान कारजार में निकल आओ। हजरत नजमुद्दीन की शहादत ने मुसलमानों की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी। मार्फत के इस बुलंद तरीन मीनार के ज़मीन पर गिरते ही जलजला आ गया था और जुल्मो सितम की रात मजीद तवील हो गई थी। खून का सैलाब रास्ता बनाता मुसलमानों के सरसब्ज़ो शादाब इलाकों से गुजर रहा था। अब हलाकू खान के खूनखार लश्कर का रुख रोम के शहर कोनिया की जानिब था। उस लश्कर की सालारी बेचो खान को सौंपी गई थी। बेचो खान ने अपनी फौजें शहर के चारों तरफ फैला दीं और कोनिया का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। चंद्रोज तक तो अहले शहर को खौफ दहशत के सिवा किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, मगर जब मुहासरे ने तूल पकड़ा तो कोनिया के बाशिंदों का सामान रसद बंद हो गया, जिससे हर तरफ बदहवासी फैल गई। अहले शहर में मशवरे होने लगे। किसी ने कहा बिचू खान से मुसालहत की बात की जाए और उसके मुतालबात मानकर इस अजाब से नजात हासिल कर ली जाए। फौरन ही दूसरे शख्स ने जवाब दिया, हलाकू खान मुसलमानों के खून का प्यासा है। वो अलल ऐलान खुद को खुदा का कहर कहता है। इसके नज़दीक अमनो आफियत जैसे अल्फाज कोई मफहूम नहीं रखते। फिर क्या होगा? हर जुबान पर एक ही सवाल था। आखिर जब तमाम जहन सोचते सोचते मफलूज हो गए तो अमीरों की महफिल में एक परेशान हाल शख्स दाखिल हुआ। उस मुफलिस इंसान को देखकर दौलतमंदों की पेशानियों पर बल पड़ गए, मगर वो लोगों के एहसासात से बेनियाज अंदर चलाया और बदमस्तों के दरमियान खड़े होकर बारोब लहजे में कहने लगा, लोगों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने एक हम मजहब को देखकर बदहवास हो गए हो? मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया कि मुझे देखकर तुम्हारे चेहरों पर नफरत बरसने लगी है। इसी तंगदिली और बेजमीरी ने तुम्हें यह खौफनाक दिन दिखाए हैं। तुम अपने इशरत कदों में शराबे सुरख से दिल बहलाते रहे और मखलूक खुदा अपने खून में नहाती रही। अब दौलत के ये जखीरे लेकर कहाँ जाओगे कि जमीन तुम पर तंग हो चुकी है और आसमान बहुत दूर है। ये कहकर वो अजनबी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। पूरी महफिल पर सकूत मर्गदारी था। हर शख्स के चेहरे से जाहिर होता था जैसे वो नजा की हालत में गिरफ्तार हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि इस गहरे आसमानी का बस एक ही इलाज है, अजनबी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। हाँ हाँ, हमें बताओ। तमाम उमरा बयक जुबान चीखे, हम अपनी दौलत के सारे अंबार लौटा देंगे। खुदा के लिए हमें इस अजियतनाक सूरत हाल से नजात दिलाओ। हम गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मरते हैं और फिर दूसरी साथ में जी उठते हैं। हलाकू खान की दहशत हमें वक्त से पहले मार डालेगी। सबके सब गदागरों की तरह चीख रहे थे। उस दरवेश के पास जाओ जो तुम्हारे इशरत कदों पर थूक कर अपनी खानकाह में गोशा नशीन हो गया है, अजनबी ने नहायत तलख लहजे में कहा। उसके एक एक लफ्ज से अहले महफिल के लिए शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। वो तुम्हारी दौलत के जखीरों का मोहताज नहीं, वो तो खुद शहनशाह है। ऐसा शहनशाह जिसके सामने हलाकू खान के सिपाही भी हकीर कीड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। उसके पास जाओ
अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो मुमकिन है कि तुम्हारे सरों पर आग के शोलों की बजाय अब्रे रहमत बरस जाए। अल्लाह उसकी बहुत सुनता है। अजनबी की बातें सुनकर अहले महफिल बदहवासी के आलम में खड़े हो गए। वो उसी वक्त दरवेश के आस्ताने पर हाजिर होना चाहते थे। सुनो, अजनबी ने पुकार कर कहा, वो आसानी से नहीं मानेगा। उसके दरवाजे पर भिखारियों की तरह जाना, वो तुम्हारी कीमती पोशाकों से नफरत करता है। ये कहकर अजनबी महफिल से निकल गया। थोड़ी दूर तक लोगों ने उसे जाते देखा, फिर वो अचानक नजरों से गायब हो गया। तमाम लोग इस बात पर हैरान थे कि वो कौन था, क्यों आया था और यकायक कहाँ गायब हो गया। ये एक बड़ा अहम वाकया था, मगर लोगों के पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। वो इंसान ही सही, लेकिन फरिश्ता रहमत बनकर आया था। उसने आग और खून के दरमियान घिरे हुए लोगों को सलामती की राह दिखाई थी। अब कुनिया के मुअज्जज़ीन और शरफा की जमात उस दरवेश के आस्ताने की तरफ बढ़ रही थी। फासले ख़त्म हुए, इजाज़त तलब की गई। दरवेश फितरतन मेहमान नवाज था। उसने अपने हमवतनों को अंदर बुला लिया। लोग कांपते कदमों से दरवेश के रूबरू पहुँचे। उनकी आंखों की पुतलियाँ लरज रही थीं और चेहरे मौत के खौफ से जर्द थे। बाज ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए अपने आने का मकसद बयान किया, मगर इस तरह की उनकी आवाज़ लरज रही थी। मेरे पास क्यों आए हो? दरवेश ने बेजारी के लहजे में कहा। इस कायनात में मेरी क्या हैसियत है? तुम उसकी बारगाह में क्यों नहीं गए जो लोहे महफूज का मालिक है, जिसके एक इशारे पे तकदीरें बनती और बिगड़ती हैं? शेख, वो हमारी नहीं सुनता, कोनिया के उमरा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे लिए दरे तौबा बंद हो चुका है, ये सब गलत है। अगरचे दरवेश के होंठों पे हर वक्त एक दिलनवाज तबस्सुम नुमाया रहता था, मगर वो कोनिया के उमरा की बात सुनकर यकायक गजबनाक हो गया। कोई नहीं जानता कि दरे तौबा कब बंद होगा। जाओ, उसी को पुकारो, वही अपने बंदों की सुनता है। अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर इस कायनात में कौन सुनने वाला है? उमरा ने महसूस कर लिया कि दरवेश अपना दामन बचा रहा है। अजनबी ने उन्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि दरवेश आसानी से उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो मजीद गिरिया उजारी करने लगे। आसमान से हमारी फरियादों का जवाब नहीं आता शेख, हम तेरे आस्ताने से वापस नहीं जाएंगे। अगर मौत हमारा मुकद्दर बन चुकी है तो फिर हम तेरे कदमों में मर जाना पसंद करेंगे। तुमने देखा कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार शहीद कर दिए गए? हजरत नजमुद्दीन अपने खून में नहाकर खाले के हकीकी से जा मिले। मैं तो उनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ, फिर तुम्हारे लिए कैसे दुआ करूँ? कैसे कैसे पारसा इस फितना अजीम में ज़िंदगी से महरूम हो गए। जब उनकी दुआएं कहरे आसमानी को ना रोक सकें तो फिर मैं किस शुमार में हूँ? दरवेश बड़े दर्दनाक लहजे में अपनी आर्जी का इजहार कर रहा था, मगर लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें सिर्फ अपने जानो माल की फिक्र थी। वो दरवेश के सामने बहुत देर तक गिरिया उजारी करते रहे। आखिर दरवेश मजबूर हो गया। उससे मखलूक खुदा की चीखें नहीं सुनी जाती थीं। वो उठा और अपना मुसल्ला लेकर खानकाह से निकल गया। लोगों ने बड़ी हैरत से दरवेश के तर्ज अमल को देखा। वहाँ मौजूद हर शख्स यही समझ रहा था कि दरवेश उनके शोर गुफगां से तंग आकर खानकाह को छोड़कर चला गया है। पूरे मजमे पर कुछ देर के लिए सकूते मर्ग सतारी रहा। फिर तमाम लोग खानकाह से बाहर निकल आए और दरवेश को देखने लगे, जो सारी दुनिया से बेनियाज तेज तेज कदमों के साथ एक सिमट चला जा रहा था। कोनिया के तमाम शरफा और उमरा दरवेश को खामोशी से देखते रहे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वो उसके पीछे जाते। बस दरवेश के चंद खादिम बेकरार होकर अपने मखदूम के पीछे भागे। उनके लिए इस मर्द कलंदर का ये अंदाज नाकाबिल फहम था। खादिम दरवेश के करीब पहुंच गए, मगर उससे ये पूछने की जुरत न कर सके कि वो कहाँ जा रहा है। दरवेश जिस तरफ से भी गुजरता था, कुछ लोग उसी के हमरा हो जाते थे, मगर उसने नज़र उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा। अब वो शहर की हदूद से बाहर निकल आया था। उसके हमरा चलने वाले खौफ से लरजने लगे। सामने हलाकू के सिपाही सालार बेचूखान का लश्कर नजर आ रहा था। दरवेश यकायक मुड़ा और उन लोगों से सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। तुम अपने घरों को वापस जाओ, क्या ये कोई तमाशा हो रहा है? इस गहरे आसमानी से खुदा की पनाह मांगो। ये कहकर दरवेश आगे बढ़ा। उसका अनजाना सफ़र दोबारा शुरू हो गया था। साथ जाने वाले उसी मकाम पर रुक गए जहां उसने ठहर जाने का हुक्म दिया था। दरवेश आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो मंगोल लश्कर के करीब तर होता चला गया।
तमाम अहले शहर और खादिम जो उस वक्त वहां मौजूद थे खौफ व दहशत से कांपने लगे। दरवेश का नातवां जिस्म मंगोल तीर अंदाजों के निशाने पर था। तातारियों के तरकश से निकला हुआ एक तीर भी दरवेश का काम तमाम कर सकता था, मगर वो मर्द खुदा आज हर शय से बेनियाज था। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे, फिर वो कोनिया के उन बाशिंदों की नजरों से ओझल हो गया जो उसे बेचू खान के लश्कर की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। फासले मजीद कम हो गए। दरवेश एक बुलंद टीले पर चढ़ने लगा। उस टीले के दूसरी तरफ तातारियों का लश्कर खैमा जन था। दरवेश चोटी तक पहुंचा, फिर उसने अपने अतराफ पर नजर डाली। दूर तक मंगोल सिपाही बिखरे हुए थे और निगाहों के सामने सिपाही सालार बेचू खान का खैमा था जो दूसरे खैमों से ज्यादा वसी और नुमाया नजर आ रहा था। दरवेश ने टीले पर मुसल्ला बिछा दिया, एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और नमाज की नीयत बांध ली। अभी चंद सातें भी नहीं गुजरी थीं कि किसी तातारी की नज़र दरवेश पर पड़ी। उसने अपने दूसरे साथी से कहा, फिर देखते ही देखते सैकड़ों मंगोल सिपाही दरवेश की तरफ मतवज्जे हो गए। जहां एक मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत में मशगूल था, दुश्मन सिपाही उसकी इबादत का मफहूम तो नहीं समझ सके, मगर उन्हें यह ख्याल जरूर हुआ कि वो कोई मुसलमान जासूस है जो बेचू खान के लश्कर की मुखबरी करने आया है। इस ख्याल के पैदा होते ही मंगोल सिपाहियों में हलचल पैदा हो गई। अगरचे दरवेश तन्हा था, लेकिन जंगी असूल के मुताबिक उसकी मौजूदगी निहायत खतरनाक थी। सिपाहियों ने अपने कांधों पर लटकती हुई कमानें उतार लीं, बर्क रफ्तारी के साथ तीर चढ़ाए, पूरी कुव्वत का मुजाहिरा किया, मगर कोई एक कमान भी ना खींच सकी। तंग आकर सिपाहियों ने अपने घोड़ों को इस्तेमाल करना चाहा ताकि टीले पर पहुंचकर मुसलमान दरवेश को तलवारों से कत्ल कर डालें, लेकिन उस वक्त मंगोल सिपाहियों की बेचारगी काबिले दीद थी। जब उनके घोड़े अपनी जगह से जुम्बिश तक ना कर सके, तातारियों ने बेजुबान जानवरों को पीटना शुरू कर दिया। फिजा में घोड़ों की चीखें बुलंद होती रहीं, मगर उन्हें एक कदम भी आगे ना बढ़ाया जा सका। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। सारे लश्कर में एक हंगामा सा बरपा हो गया। सिपाहियों का शोर सुनकर बेचू खान भी अपने खैमे से निकल आया। सिपाहियों से इन हंगामे का सबब दरियाफ्त किया तो बेशुमार उंगलियां टीले की तरफ उठ गईं, जहां दरवेश अब भी अपने खुदा के आगे हाथ बांधे खड़ा था। ये कैसी दीवानगी की बातें हैं, बेचू खान ने चीख कर कहा। कोई भी जी होश इंसान तुम्हारी अहमकाना गुफ्तगू पर यकीन नहीं कर सकता। ये कहकर बेचू खान ने एक सिपाही से तीर कमान तलब किया। वो एक माहिर तीर अंदाज था। हलाकू के पूरे लश्कर में उसकी ये सिफत मशहूर थी। तमाम सिपाही हैरान परेशान खड़े बेचू खान की तरफ देख रहे थे। उनकी सांसें रुकी हुई थीं और जहनों में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अगर मंगोल सिपाही सालार मुसलमान जासूस को हलाक करने में कामयाब हो गया तो फिर कयामत टूट पड़ेगी। वो उसकी वहशियाना आदतों से वाकिफ थे। आखिर बेचू खान ने अपनी कमान खींची और एक कहर आलूद नज़र उन सिपाहियों पर डाली जिनका ये दावा था कि वो अपनी कमानें खींचने से आजिज रहे थे। सिपाहियों की जान पर बनाई थी और अब उन्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। बेचू खान ने पूरी ताकत से कमान खींची, फिर फिजा में एक मखसूस आवाज उभरी और तरकश से तीर छूट गया। मंगोल सिपाही पथराई हुई आंखों से तीर को देख रहे थे। चंद लम्हों की बात थी, तातारियों का ख्याल था कि दूसरे ही लम्हे मुसलमान जासूस की लाश टीले की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों में चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बेचू खान का छोड़ा हुआ तीर दरवेश के करीब से निकल गया। मंगोल सिपाही सालार का चेहरा एहसास नदामत से जर्द हो गया। निशाना चूक जाने पर वो नाकाबिले बयान अजियत व करब में मुबतला था। शदीद गजब के आलम में उसने तरकश पर दूसरा तीर चढ़ाया। इस बार कमान को यहां तक खींचा कि उसके टूट जाने का खतरा पैदा हो गया। निशाना दुरुस्त होते ही बेचू खान ने तीर छोड़ दिया, मगर इस मरतबा भी वही हुआ। तीर सीधा निशाने पर था, मगर दरवेश के करीब पहुंचते ही कट कर दूसरी तरफ निकल गया। इसके बाद सिपाही सालार बेचू खान अपने होशो हवास खो बैठा। फिर उसने मुसलमान जासूस पर तीरों की बारिश कर दी, लेकिन एक तीर भी दरवेश के जिस्म को ना छू सका। इंतहाई तैश के आलम में बेचू खान ने कमान उठाकर सिपाही के सर पर दे मारी और तेजी से अपने खैमे में दाखिल हो गया। तलवार निकाली और दोबारा खैमे से बाहर आया। वो मुसलमान जासूस को अपने हाथ से तहो तय करना चाहता था।
बिचू खान गजबनाक हालत में आगे बढ़ा मगर बमुश्किल तमाम थोड़ी ही दूर जा सका। अचानक मंगोल सिपा सालार को महसूस हुआ जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए हों। वो बहुत देर तक हवा में अपनी शमशीर लहराता रहा। उसके हाथ मुसलसल गर्दिश कर रहे थे मगर टांगे पत्थर की होकर रह गई थीं। आखिर वो अपनी बेकसी पर रो पड़ा। उसने घबराकर सिपाहियों की तरफ देखा, सब के सब सर झुकाए हुए खड़े थे। ऐ जादूगर, हमें माफ कर दे। अचानक बिचू खान की तेज आवाज फिजा में गूंजी। हम कुनिया का मुहासरा उठाकर वापस जा रहे हैं। ऐ अजीम साहिर, हमें जाने दे कि हम गलती से तेरे इलाके में आ गए हैं। हमारी भूल को दरगुजर कर। बेशक तू इस ममलकत का शहनशाह है, हमें इजाजत दे कि हम अपने घरों को वापस लौट जाएं। मंगोल सिपा सालार बिचू खान इस तरह फरियाद कर रहा था जैसे वाकयातन किसी ताकतवर शहनशाह से रहम की भीख मांग रहा हो। अभी बिचू खान के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि यकायक उसके पैरों में खून की गर्दिश बहाल हो गई। मंगोल सिपा सालार ने अपनी तलवार नीचे कर ली और सर झुकाए हुए खेमे में वापस आ गया। कुछ देर पहले जिस शख्स को जासूस के नाम से पुकारा जा रहा था, अब वही बेअसलहा निहत्ता इंसान फाते ठहरा था और बिचू खान जैसा ताकतवर दुश्मन नाकामो नामुराद लौट रहा था। जब मंगोल सिपाही कोनिया की हदूद से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त बिचू खान की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने फौजियों से कह रहा था, घोड़ों की रफ्तार तेज कर दो, ये पूरा इलाका जादू के जेरे असर है। इस बूढ़े साहिर ने हर चीज को बांध कर रख दिया है। इन अल्फाज के अदा होते ही घोड़ों की पुश्त पर ताजियाने बरसने लगे। फिजा हैवानों की चीखों से गूंजने लगी। रास्तों से गर्दो गुबार उठा और फिर फितना हलाकू का नकीब किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। शहरे कोनिया के बाशिंदे बहुत खुश थे। एक दरवेश की दुआओं के सबब उनके सरों से अजाब आसमानी टल गया था। दरवेश अपनी खानका की तरफ आया तो इंसानी हजूम ने उसे घेर लिया। लोग अपनी अकीरत का इजहार करने के लिए उसके हाथों को बोसा देना चाहते थे मगर वो इन तमाम रस्मों से बेजार था। उसने इंतहाई तलख लहजे में लोगों को मुखातिब किया, अगर आज नाफरमानों की जमात कहरे खुदाबंदी से बच गई तो कल खैर नहीं। इससे पहले के दर्दनाक अजाब तुम्हें आ पकड़े, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। बेखबरों के लिए वक्त का हर लम्हा राजन है। अपने ईमानों की हिफाजत करो वरना वक्त के बेरहम डाकू तुम्हारा सबसे कीमती सरमाया लूट कर ले जाएंगे। ये कहकर दरवेश खान काह में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुरीदों और खिदमतगारों ने सुना, वो अपने रब के हजूर हिचकियों से रो रहा था। ऐ अजीज़ो जलील, तूने दुनिया के सामने मेरी शर्म रख ली, वरना ये गुनाहगार तो रुसवा होता चला जाता। अगर मैं अपनी जान भी नजर कर दूं तो तेरे इस एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि जिनकी दुआओं के सबब शहरे कोनिया फितना हराकू से महफूज रहा, वो दरवेश मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्ला अलैह थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।